छत्तीसगढ़ में महासमुंद से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण की तरफ ये गांव है लचकेरा। इस लचकेरा गांव में ये ओपन बिल स्टॉक हैं। ये सीमावर्ती जो दूसरे देश हैं हमारे, जैसे बांग्लादेश है, थाईलैंड है, बर्मा है, वहाँ से ये उड़ के यहाँ आते हैं और यहाँ इनको ये रहवास पसंद आता है। इसलिए पसंद आता है कि यहाँ इन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। गांव वालों ने एक नियम बनाया हुआ है कि अगर कोई भी इन पक्षियों को परेशान करेगा या मारेगा तो उसको 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। लिहाजा इस गाँव के लोग जो हैं वो इन पक्षियों को संरक्षण देते हैं। और इस गाँव में सैकड़ों की संख्या में पेड़ हैं और जिसमें हजारों की संख्या में इस समय ओपन बिल स्टॉक आया हुआ है। इस गांव के एक किसान पालक राम मेरे साथ हैं। इनका कहना है कि ओपन बिल जिस वक्त जुलाई के महीने में यहां आते हैं तो इनको ये इशारा मिल जाता है, गांव वालों को इशारा मिल जाता है कि वे किसानी में पिछड़ रहे हैं। मतलब सीजन शुरू हो गया है, अब किसानी काम, खेतों में काम करना शुरू करना पड़ेगा। ओपन बिल के आने के साथ ही, और जब ओपन बिल यहाँ पर दिवाली के बाद जिस समय यहाँ से उड़ते हैं उस समय धान कटाई का समय आ चुका होता है, और अपने आप जैसे ओपन बिल को प्राकृतिक रूप से सारी बातें पता होती हैं कि कब उन्हें आना है और कब उन्हें जाना है। धान कटाई के साथ साथ ही ओपन बिल इस गाँव से रवाना हो जाते हैं। बहुत फायदा होते कि जो कीड़ा मकोड़ा है ना खेती बाड़ी में एकर समल अच्छा लगते है। अच्छा, थोड़ा बहुत अपन, अब तो रासायनिक खाद के नाम से सब बीमारी ज्यादा बढ़ गए, तेकर बैठे में झाड़ के बैठे ले झाड़ खत्म हो जाए। अच्छा, अतिक कड़ा है कर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत झाड़ रही इस पहली। हाँ हाँ, वो ये वाला लीम वाला। हाँ हाँ, लीम वाला झाड़ सब खत्म हो गए। पालक राम का कहना यह है कि ओपन बिल की जो बिट होती है उसमें इस तरह का एसिड होता है कि झाड़ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इस गांव में बहुत झाड़ थे, नीम के काफी झाड़ थे, लेकिन ओपन बिल के उनमें घोंसला बनाने से धीरे धीरे झाड़ खत्म हो गए। लेकिन एक फायदा है कि जो खेती किसानी होती है, खेती में जब धान पैदा होता है तो उसके कीट पतंगों को ये ओपन बिल खा लेते हैं। एक नियम यहाँ पर स्वस्फूर्त तैयार किया हुआ है इस गांव के लोगों ने, और एक दबाव बनाया हुआ है जिससे क्या है कि जब भी कोई इन ओपन बिल को मारेगा या परेशान करेगा या इस गाँव से भगाएगा तो उसको 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। इस दबाव के चलते ही लोग इन ओपन बिल को अपने यहाँ सुरक्षित रखे हुए हैं और ये गाँव लचकेरा एक तरीके से इनका हैबिटेट बन गया है, इनका रहवास बन गया है। ओपन बिल स्टॉक जो जुलाई के महीने में, जुलाई के शुरुआत में ही यहां पर आकर बस जाते हैं, इसके बाद ये इनका एक प्रजनन प्रक्षेत्र होता है। हर पेड़ की हर शाख पे इनके घोंसले होते हैं, हर घोंसले पर ओपन बिल का जो जोड़ा है वो सहवास करता है। इसके बाद मादा ओपन बिल घोंसले में अंडे देती है और तब से शुरू हो जाता है लगातार चौकीदारी का सिलसिला। दोनों में से एक भोजन के लिए खेतों की तरफ जाता है और दूसरा वहां बैठकर अंडों की रक्षा करता है। इसी बीच मादा लगातार अंडों को सेती है। अगस्त के महीने में यानी भादों में अंडों से बच्चे जन्म लेने की उम्मीदें होती हैं। लचकेरा गांव के हर पेड़ की शाख पर ओपन बिल एक घोंसला बनाता है और उसमें प्रजनन के बाद वो अंडे देता है। ये जो अंडे होते हैं इन पर कौओं की निगाह होती है, इसलिए एक ना एक ओपन बिल हमेशा उस घोंसले पर निगाह रखे होता है, उसकी चौकीदारी करता है। कौवे की निगाह भी अंडे पर होती है। जैसे ही ओपन बिल उड़ता है कौवा अंडों पर झपट पड़ता है।
जाहिर है अंडे जो होंगे बहुत स्वादिष्ट होंगे और इसीलिए कौवे उन पर झपट पड़ते हैं। लचकेरा गांव में एक और खास बात देखने को मिली। यहां पर चाहे पीपल के पेड़ हों या नीम के पेड़, ओपन बिल जो घोंसला बनाते हैं वो बबूल के कांटों का बनाते हैं। इसका कारण बहुत साफ है। जब कभी ओपन बिल अपने घोंसले से थोड़ा बहुत भी हटता है और कौवा उसके अंडों पर हमला करता है, उस वक्त ये कांटे उन अंडों की रक्षा करते हैं। तो यहाँ मैंने देखा कि कौवा जो है पहले वो घोंसले से बबूल के कांटे हटाता है, उसके बाद वो चोंच मारकर अंडा तोड़ देता है। इस झपटा झपटी में कुछ अंडे जमीन पर गिर जाते हैं और फूट जाते हैं। देखिए ये भादों का मौसम है, चारों तरफ घने बादल हैं और गरज रहे हैं, जम के बारिश हो रही है। मेरे पीछे ये पेड़ पूरा ओपन बिल स्टॉर्क के घोंसलों से भरा हुआ है। हर घोंसले में 2 से 4 चूजे इस वक्त भादों के मौसम में बाहर आ चुके हैं। सावन में जब इनका संसर्ग हुआ था उसके बाद जो इन्होंने अंडे दिए थे उसको लगातार मादा ओपन बिल से रही थी और अब इसमें बच्चे आ गए हैं। जब बहुत तेज धूप पड़ती है या पानी गिरता है तो ये बच्चे जोर से चिल्लाने लगते हैं। उस वक्त मादा ओपन बिल इनको अपने नीचे पंख फैलाकर, कभी पंख सिकोड़कर अपने नीचे छुपा लेती है, यानी संरक्षण देती है। छत्तीसगढ़ी में कहें तो जब घाम पड़ते या बहुत जोर के बारिश पड़ते तो एमन नरियाथे, बहुत जोर के चिल्लाना शुरू कर देते। दशहरा जा चुका है और अब खेतों में जो धान है वो पक गया है। कहीं कहीं धान कट गया है, कहीं पर कट रहा है। ओपन बिल स्टॉर्क जिसके बच्चे अब बड़े हो गए हैं उनकी उड़ान जारी है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है एक लंबी उड़ान के लिए। लगभग दिवाली के आसपास ओपन बिल अपने घरों को लौट जाएंगे। यहाँ इस लचकेरा गांव में जितने ये ओपन बिल बच्चे थे ये अगले साल फिर इसी उम्मीद से इसी जगह लौट के आएंगे। उन्हीं पेड़ों पर, जिन पेड़ों पर इन्होंने जन्म लिया है उन पे ये घोंसले बनाएंगे और अपना नया परिवार बसाएंगे। लचकेरा गांव से मैं अजय शर्मा।